कैप्टन की पत्नी सांसद परनीत कौर बन सकती है पंजाब कांग्रेस की अध्यक्ष, सिद्धू को नहीं मनाएगा अलकमान। बंगाल में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, भवानीपुर, जांगीपुर और शमशेरगंज में डाले जा रहे हैं वोट। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अरविंद केजरीवाल आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान, दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं पंजाब। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, बीजेपी को सिर्फ सपा ही हरा सकती है, जनता का झुकाव हमारी ओर नहीं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,529 नए मामले सामने आए, वहीं 311 लोगों की हुई मौत, 23 में से 12,000 केवल केरल से। तालिबान ने भारत सरकार को लिखा खत, विमान सेवाएं शुरू करने का किया अनुरोध। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद काफी मात्रा में निकला लावा अटलांटिक महासागर तक पहुंचा। DHFL को पीरामल इंटरप्राइजेज ने 38,000 करोड़ में खरीदा, कर्जदाताओं को चुकाए 34,250 करोड़ रुपए। रोहित शर्मा की नजर T20 वर्ल्ड कप जीतने पर, बोले कोई कसर नहीं रहने देंगे। डोमेस्टिक वायलेंस केस में करण मेहरा और उनके परिवार को मिली जमानत, पत्नी निशा रावल ने दर्ज कराया है केस।